वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। WCL जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है ने ग्रेजुएट व टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी वैकेंसी के बारे में कि कितना वैकेंसी आया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले, ये सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुसंगी कंपनी है ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ग्रेजुएट व टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है। कैंडिडेट जो भी WCL के अंदर ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उन्होंने क्या करने की जरूरत है, ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत है। जो भी पीरियड बताया गया है फॉर्म के अंदर में, उस पीरियड के अंदर में ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। कहां पे? www.westerncoal.in, यहां पर उन्होंने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले उनका इनरोलमेंट होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम नट्स वेब पोर्टल के अंदर में। तो चलिए जानते हैं कितना पोस्ट है जो WCL ने निकाला है ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 101 पोस्ट जबकि टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 215 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी करा है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए बीई या बीटेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी या बीटेक होना चाहिए या फिर AMIE होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। कहां से? किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि UGC, AICTE, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज हो। इसके अलावा आपका इनरोलमेंट होना चाहिए नट्स पोर्टल के अंदर में। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? डिप्लोमा होना चाहिए आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में या फिर माइन सर्वेइंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए भी आपका नट्स पोर्टल के अंदर में इनरोलमेंट होना चाहिए। एप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल इन एनी वन ऑफ केस बिलो। नीचे जो भी केस दिया गया है अगर उसमें से कोई भी एक केस किसी कैंडिडेट पर एग्जिस्ट करता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। तो कौन कौन से केस है चलिए जानते हैं। हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिफोर 28 फरवरी 2021। किसी ने भी अगर जो भी एग्जामिनेशन ऊपर में बताया गया चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो अगर उन्होंने 28 फरवरी 2021 से पहले उस एग्जाम को पास किया है तो वह इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा हु हैव अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज ए पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट एज सैंडविच स्टूडेंट। मतलब जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत पहले ही ट्रेनिंग ले रखा है उन स्टूडेंट को छोड़कर जो सैंडविच स्टूडेंट है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है जो क्या करता है कि 2 साल का कोर्स करवाता है और 1 साल ट्रेनिंग देता है, ऐसे बच्चों को छोड़कर के बाकी जो भी है अगर उन्होंने पहले ही ट्रेनिंग ले रखा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। इसके अलावा हु हैव अंडर गोइंग प्रेजेंटली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर कोई पहले से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहा है, मान लो WCL के पहले कोई SSCL में या किसी दूसरे सब्सिडियरी में पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है तो वो भी इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के एलिजिबल नहीं होगा। हु हैव इन एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अगर कोई पहले से जॉब में है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। हु इज अंडर गोइंग एनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी। अगर कोई रेगुलर कोर्स में अगर वो इनरोल्ड है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। हु हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 1 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर किसी को 1 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दिया गया ऑलरेडी डिग्री या डिप्लोमा के बाद वो भी एलिजिबल नहीं होगा। हु हैव नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर किसी ने 18 साल का आयु अभी तक पार नहीं किया है, किस डेट तक? 16/9/2023 तक किसी ने अगर 18 साल का एज पार नहीं किया है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। हु हैव नॉट फाउंड फिट इन इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। आपके ज्वाइनिंग के पहले आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर आप इनिशियल
मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल कर जाते हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जानते हैं कि कितना आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 रुपए पर मंथ, जबकि टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है। बेसिकली जो डिग्री वाले हैं उनको 9,000 और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 8,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है। ये स्टाइपेंड ही है जो आपको मिलेगा, इसके अलावा किसी भी प्रकार का बेनिफिट या अलाउंस वगैरह आपको सब्सिडरी नहीं देगा, कंपनी आपको नहीं देगा। तो चलिए जानते हैं कि कितने समय के लिए आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होने वाला है। तो सबने पता है कि ये जो पीजीपीटी या पीडीपीटी ट्रेनिंग होता है वो 1 साल के लिए होता है, 12 महीने के लिए होता है, और इस 12 महीने के बाद में WCL या कोई दूसरा सब्सिडी जो भी पीजीपीटी या पीडीपीटी आपको करवा रहा है वो बाउंडेड नहीं रहता आपको अपने सब्सिडी के अंदर जॉब देने के लिए। 12 महीने बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस, किस तरह से आप एप्लीकेशन करेंगे, किस तरह से आप इसके लिए आवेदन करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबल है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है उसको फुलफिल करते हैं, उन्होंने क्या करने की जरूरत है, नट्स वेब पोर्टल के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम वेब पोर्टल के अंदर में, जो कि www.mhrdnuts.gov.in में जाकर के आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दोबारा एक और अप्लाई करने की जरूरत होगा, वेब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट ऑफिशियल पोर्टल ऑफ WCL www.westerncoal.in। ठीक है जी, बाद सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, नट्स के अंदर में अपने आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है कहां पे, www.westerncoal.in के अंदर में। ठीक है, ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो भी लास्ट डेट दिया गया फॉर्म सबमिशन का, उससे पहले पहले आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है WCL के साइट में। ठीक है जी बात, कैंडिडेट हैज अ चॉइस, कैंडिडेट को चॉइस दिया जाएगा कि आप अपने हिसाब से एरिया चूज कर सके। WCL जो सब्सिडरी है उसके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, तो उस एरिया में से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एरिया चूज कर सके, ये चॉइस तो आपको जरूर दिया जाएगा, लेकिन किस एरिया में आपको सीट मिलना है या किस एरिया में आपका पोस्टिंग होना है यह पूरी तरह से डिसाइड करेगा WCL मैनेजमेंट। किस बेसिस पे डिसाइड करेगा, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड करेगा। चॉइस जरूर दिया जाएगा लेकिन निर्णय जो होगा वो WCL मैनेजमेंट का होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन परसेंटेज, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन्होंने अपने डिग्री या डिप्लोमा में जो भी परसेंट एक्वायर किया है उसको मेंशन करने की जरूरत है। उन्होंने क्या करना है, अपने परसेंटेज को बताना है। अल्टीमेटली आपका जो सिलेक्शन होगा आपके एग्रीगेट के बेस पे होगा, परसेंटेज के बेस पे होगा, जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री में एक्वायर करा है। आगे देखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द सिलेक्टेड अप्रेंटिस विल हैव टू साइन एंड एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट द नट्स पोर्टल ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इमीडिएट आफ्टर द ज्वाइनिंग एट WCL। जैसे ही आप WCL में ज्वाइन करते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है, कहां के अंदर में, बोर्ड के अंदर में बोले या है नट्स पोर्टल के अंदर में बोले, आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 12 महीने की अवधि के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप कोई इनडिसिप्लिनरी एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका जो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है उसको बीच में भी रद्द किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो स्केड्यूल्ड डेट है, स्केड्यूल डेट है ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन स्टार्ट्स ऑन 1/9/2023 सुबह 10 बजे से। आप 1 सितंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, कहां पे, WCL के साइट पे। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन, लास्ट डेट कब तक रहेगा, 16/9/2023, ये लास्ट डेट रहेगा आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तो ये सारी बातें थी, जो कोई भी जिन्होंने 3 साल का अपना डिप्लोमा और 4 साल का डिग्री जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो WCL में अपने एक पोस्ट को कंफर्म करने के लिए अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। WCL में अपना अप्रेंटिस करने के लिए
एप्लीकेशन भर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए तो ट्रेनिंग मैंडेटरी है, बगैर ट्रेनिंग के उनका कुछ भी नहीं होना है। डिग्री वालों के लिए भी एक ऑप्शन हो जाता है कि अगर वो गेट एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या घर में बैठे हुए हैं तो बेटर है कि अपने एक साल का ट्रेनिंग कर लें। एक साल ट्रेनिंग करने के बाद उनको सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट मिल जाता है और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मिलने से वो डिप्लोमा के सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा के सारे पोस्ट यानी माइनिंग सरदार के लिए, इसके अलावा जूनियर ओवरमैन के वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। डिग्री के सारे वैकेंसीज तो उनके लिए सामने रहते ही हैं। दूसरा एक बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आपके पास स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट रहता है तो प्राइवेट जो कंपनी है वो भी आपको प्राथमिकता देता है। और प्राथमिकता क्या आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनी भी मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जॉब में तभी रखेगा जब आपके पास स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट रहे, आपके पास डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रहे। तो ये जो ट्रेनिंग है माइनिंग वालों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर जब हम बात करें डिप्लोमा वालों के लिए तो अब तो फिर इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी हो सके आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए जो वैकेंसी आता है अलग अलग सब्सिडरी में वहां पर अपने एक पोस्ट कंफर्मेशन के लिए दावेदारी ठोकिए। जितना जल्दी आपका ट्रेनिंग हो उतना अच्छा होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।